सो गाइस, आज हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कुछ ऐसा खाएं जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और बच्चों को भी पसंद आए और बड़ों को भी पसंद आए। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी की अनियन इडली, एक नए स्टाइल से अनियन स्टफिंग के साथ। और आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 कटोरी सूजी। मैंने ये कटोरी का ये नाप लिया है। उसके बाद चाहिए हमें 1 कटोरी दही। जितनी आप सूजी ले रहे हो उतना ही आपको दही लेना है। अगर आप आधी कटोरी सूजी ले रहे हो तो आधी कटोरी दही। उसके बाद मैंने लिए 2 ग्रीन चिली। अगर आप सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप ग्रीन चिली को स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिए हैं 2 मीडियम अनियन। फिर आपको चाहिए 1 पैकेट इनो, फिर ऑलिव ऑयल या रिफाइंड, उसके बाद नमक स्वाद अनुसार अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम एक बाउल में सूजी डालेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे करके अपना दही डालेंगे। हाफ डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा दही सूजी में मिक्स हो जाए अच्छे से। तो हम इसमें अब सारा दही डालेंगे। दही डालने के बाद हमारा बैटर गाढ़ा होगा तो हम अपने बैटर के अकॉर्डिंग इसमें धीरे धीरे करके पानी मिक्स करेंगे। अच्छे से दही मिक्स करना है ताकि हमारे सारी सूजी के साथ दही मिक्स हो जाए। अब देखिए हमारा बैटर गाढ़ा है तो मैंने ये पानी ले रखा है। इसको हम दही वाली कटोरी में डालेंगे और धीरे धीरे करके आपको ये ऐसा बैटर तैयार करना है। अभी आपको ये गाढ़ा दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है और सूजी फूलती है तो हम इसे 2 से 4 मिनट फूलने के लिए साइड में रख देंगे। सो गाइज, अब हम इस डिश में एक और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, वो है बहुत ही यम्मी डोसे के साथ मिलने वाली रेड चटनी। आइए, जब तक हमारी सूजी फूल रही है तब तक हम अपनी चटनी के लिए चॉपिंग कर लेते हैं। गाइज, हमें अपनी चटनी के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। हमें चाहिए प्याज 3 से 4 मीडियम साइज के, 2 टमाटर चाहिए हमें, 4 से 5 हरी मिर्च चाहिए और 5 से 6 लहसुन की कलियां चाहिए। गाइस, मैंने अपने चटनी के इंग्रेडिएंट्स चॉप कर लिए हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे, इसीलिए आप इसको किसी भी साइज में चॉप कर सकते हो। गाइस, जब तक हमने अपने चटनी के इंग्रेडिएंट्स चॉप किए हैं तब तक हमारी सूजी फूल के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो ये गाढ़ी है क्योंकि ये फूल चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी और ऐड करेंगे। हमें इसको पतला नहीं करना, ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ये इडली का जो हमारा सांचा होता है उससे निकलेगा बाहर और हमारी इडली भी हमारी सही नहीं बनेगी, फैल जाएगी। तो गाइस, मैंने पानी मिला के आपको ऐसा बैटर तैयार करना है। ये आप देख रहे हो ना, ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है। अब हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। हमने अनियन ऐड किए, हमने ग्रीन चिली ऐड की। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद मैं इसमें इनो ऐड कर रही हूँ, 1 पाउच। और इनो डालने के बाद मैं 2 से 3 बूंद पानी डालूंगी, बिल्कुल हल्का सा इनो के ऊपर। और जो सबसे मेन चीज़ है, इनो डालने के बाद हमेशा हमें इसके एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और ज़ोर ज़ोर से। गाइस, हमारा ये बैटर अब बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। और ये जैसे कि आप मेरे गैस पे देख सकते हैं,
मैंने एक बर्तन में पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी ऐड कर दे, जब तक इस बर्तन में बॉयल आएगा तब तक मैं अपने इडली के सांचे में इडली डाल लेती हूँ। और गाइस ये इडली का सांचा है, ये कुछ ऐसा दिखता है, आप इसको देख सकते हो। और ये आपको किसी भी शॉप से, किसी भी बर्तन की शॉप से 140 से 50 रुपीस में बहुत आराम से मिल जाएगा। सो गाइस अब सबसे पहले हमें इडली के सांचे में क्या करना है, दो दो तीन तीन बूंद ऑयल की घेरनी है, क्योंकि ये हमारा हेल्दी नाश्ता है, हमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना, हम इसको पूरे उसमें फैला देंगे ताकि हमारी इडली सांचे के ऊपर चिपके ना। ऐसे ही हम बाकी सब में भी करेंगे। अब मैं इसमें इडली का बैटर डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा, सिर्फ जितना हमारा ये है। सो गाइज आप देख सकते हो पानी में एक बॉयल आ चुका है और हमारा पानी सरफेस से आधा इंच है। सो गाइज जैसा मैंने आपको बताया था ऐसे ही आप बाकी दोनों फ्रेम भी कर लेंगे। और आप देख सकते हो मैंने लास्ट वाला अवॉइड किया है, क्यों किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा पानी बॉयल होता है ना नीचे, तो वो इस इडली में चला जाता है, तो आप लास्ट वाले को अवॉइड करके बाकी तीनों ऐसे ही फिल कर लेंगे। सो गाइज अब हम इसे अपने बर्तन में रख देंगे आराम से सीधा करके, और इसको हम ढक देंगे। अगर आप किसी पतीले में बना रहे हो तो आप प्लेट से भी ढक सकते हो। और इसको हमने 15 से 20 मिनट मैक्सिमम ऐसे ही रखना है मीडियम गैस पे। हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। सो चटनी के लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाला है, ये मेरा नॉन स्टिक पैन है इसीलिए मैंने सिर्फ 1 स्पून ही ऑलिव ऑयल डाला है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब ये जैसे ही गर्म होगा मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, अनियन डाल दूंगी। तो अनियन को हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। बस गाइस हमारे अनियन अब हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें ग्रीन चिली और गार्लिक डाल दूंगी और इसको भी हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे और गैस को हम थोड़ी सी मीडियम कर देंगे ताकि हमारे टमाटर और अनियन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई हो जाए। सो गाइस हमारे टमाटर अब फ्राई हो चुके हैं, मैंने इसको 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाया है और 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाया है, मैं अपनी गैस बंद कर दूंगी। तो गाइस मैंने अपना मिक्सचर ब्लेंड कर लिया है और मैंने उसी पैन को गर्म किया है, और उस पैन में अब हम क्या करेंगे, चटनी में सरसों के दाने का तड़का लगाएंगे। मैंने सरसों के दाने डाले हैं थोड़े से, जैसे ये हमारे हल्के से भुन जाएंगे मैं अपना मिक्सचर ऐड कर दूंगी। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। तो हमें इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे भुनना है चलाते हुए, इतने में ही हमारी ये चटनी बनके तैयार हो जाएगी और अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे। सो जब तक हमारी चटनी बनके तैयार हुई पूरी, तब तक आप देख सकते हो हमारी कितनी सॉफ्ट और फूली हुई इडली भी बनके तैयार हो चुकी है, और लगभग 15 मिनट में हमारी ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। सो अब हम नाइफ की हेल्प से इसको चारों तरफ से ऐसे करके एक प्लेट में ये सारे ऐसे ही निकाल लेंगे। सो हमारी इडली और चटनी बनके तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लग रही है, और मुझे भूख भी बहुत लग रही है बना बना के।
सो आप भी जाइए गाइस, अपने घर पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और बच्चों और बड़ों सबको खिलाइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे इस चैनल को। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए।